बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। किरंतनी बोलता हूँ, बहुत दिन हो गए। क्यों वरनो हक सूरत अब लो कही ना किन। क्यों वरनो हक सूरत अब लो कही ना किन। ए झूठी दे क्यों रहे, ए झूठी दे क्यों रहे। सुनते वर्णन क्यों वर्णो हक सूरत अब लो कही ना किन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे ना आशिक बिन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे ना आशिक बिन। हक जहर क्यों हो हवी, हक जहर क्यों हो हवी। देखत ही उड़तन क्यों वरनो हक सूरत अब लो कही ना किन। हक इश्क आग जोरावर तिन में मोमिन बसत। ओ हक इश्क आग जोरावर दिन में मोमिन बसत। आग असल जिनो वतनी, आग असल जिनो वतनी। जामे आठो जाम अलमास क्यों वरनो हक सूरत अब लो कही ना किन। आशिकी अरवा कहाँ हवी तिन, निख विरहा ना निक सत। ओ आशिक अरवा कहाँ हवी तिन, मुख विरहा ना निक सत। जब दिल विरहा जानिया, जब दिल विरहा जानिया। तब आह अंग चीर चला क्यों वरनो हक सूरत अब लो कही ना किन। जो हक देखे टिकिया रहे सोई अर्श के तन। जो हक देखे टिकिया रहे सोई अर्श के तन। सोई करे मूल मजकूर, सोई करे मूल मजकूर। सोई करे वर्णन क्यों वरनो हक सूरत अब लो कही ना किन। महामति कहे मोमिनों पर करी हासी हुक्मे। महामति कहे मोमिनों पर करी हासी हुक्मे। ना तो अरवाहें इत क्यों रहे,
ना तो अरवाहें इत क्यों रहे, बेशक होए हक से क्यों वरनो हक सूरत, अब लो कही ना किन ए झूठी दे क्यों रहे, ए झूठी दे क्यों रहे, सुनते हैं वर्णन क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कही ना किन, अब लो कही ना किन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरण प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर नरेश जी, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप पढ़ते हैं, अपना टाइम भी हो गया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना परम धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 43 असस सतसो उल्टाई के सत्सो कराऊं संग, पर आत्म सो बंद बांधूं, जो होए ना कबू भंग, जो होए ना कबू भंग। श्री महामती जी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैं आपकी अंतर्दृष्टि, आपकी सुरता, आपकी निज नजर को इस नश्वर जगत से हटाकर अखंड परम धाम में ले जाऊंगी। वहां विद्यमान आपकी परातम से, आपकी सुरता से ऐसा संबंध कर दूंगी कि वह कभी नहीं टूटेगा, जो होए ना कभू भंग। जब आत्म अपनी परातम का श्रृंगार सजकर प्रेतम की शोभा को आत्मसात कर लेती है, तो उस समय दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। सागर ग्रंथ में सुंदर ये शोभा ही है कि अंतस्करण आत्म के जब ए रहे हो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम, सो परातम संग लेके विलसिए संग खस। तो सुंदर साथ जी, इन चशनी चितवन के माध्यम से हमारा प्रयास कि हम धरी चरणों में पहुंचे। अभी हमारी शोभा चल रही है श्री रंग महल की दूसरी होम की, तो आज कुछ चपाइयों के माध्यम से शहूर करते हैं। सुंदर सा जी हैंड रेज कर लें, जिन्होंने भी चपाई पढ़ने का, जिनका भी मन हो, नहीं तो मैं अपने आप बुलाती हूँ। अनिल जी आप बोलोगे? अनिल जी अनम्यूट किया आपको। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, एक मिनट ले लिया। हाँ जी, हाँ जी। श्री परमधाम दूसरी भूम भुलवणी के मंदिरों की शोभा, श्री कुलजम स्वरूप से कुलजम स्वरूप परिक्रमा प्रकरण 31 चौपाई 14 खेल करे इत भुलवनी मंदिर 110 की हार, सो हर तरफो गिनिए यही गिनती तरफ चार, यही गिनती तरफ चार। इन भुलवनी के मंदिरों में सखिया युगल स्वरूप के साथ भुलवनी की लीला करती है। इनमें 110 मंदिरों की 110 हारे हैं। चारों दिशाओं में गिनने पर भी 110 मंदिरों की 110 हारे आती है। ये सभी मंदिर नूरमयी शीशे के है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस चपाई से हमें क्या शोभा?
श्री रंग महल की दूसरी भूम की वो शोभा इन चपई के माध्यम से कि जहां पर हम रंग महल के वायव कोने से पूर्व की ओर ईशान कोने की ओर मुख करके चले, श्री रंग महल की दूसरी भूम से 33 हाथ के उन छज्जे पर लाल चबूतरे की हद पार करेंगे। उसके आगे जो 110 मंदिर आते हैं उनके भीतर चार चौरस हवेलियों की जो चार हारे आनी चाहिए थी उस जगह हुलवनी के मंदिरों की शोभा आई है। 110 मंदिरों की 110 हार, हम इधर से गिने तब भी 110, इधर से गिने तो भी 110, किसी भी दिशा से हम गिनेंगे तो 110 मंदिरों की अपने को, जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, पहली हार मंदिर पार किए, दो थंबू की हार तीन गली, दूसरी हार मंदिर पार किए, दो थंबू की हार तीन गली में खड़े हैं, और सामने यहाँ पर जहाँ चार चौरस हवेली आनी चाहिए थी वहां पर अपने को फुलवनी के मंदिरों की ये सुंदर कतार नजर आती हुई, नूरी दर्पण के मंदिर, चौखट, किवाड़, कमाड़, सब शोभा नूरी दर्पण की। तो अपने को 110 मंदिर सटे हुए हर दिशा से देखेंगे तो 110 मंदिरों की सुंदर शोभा अपने को दिखाई देगी। तो वो शोभा का वर्णन इन चपाई में हुआ। अब अगली चपाई लेते हैं। हाँ जी ज्योति, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ए भुलवनी ऐसी भई देखी चारों किनार, द्वार सबो बराबर भय मंदिर 12,000। भुलवनी की शोभा ऐसी है कि चारों दिशाओं से 110 मंदिरों की 110 हारे हैं, जो गिनती में 12,100 मंदिर होते हैं। इनके मध्य में 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, 100 मंदिर जिसमें एक गली और 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा आया है, जिससे कुल मंदिर 12,000 ही होते हैं। चारों ओर से देखने पर सभी मंदिरों के दरवाजे एक ही सीध में एक जैसे आए हैं। जो हमारी भूल भुलवनी है चार हारों चौरस, चार हारों के चार हारे, तो वो जो है चारों तरफ से किधर से भी देखेंगे तो 110 मंदिर, 110 मंदिर के 110 की 110 हारे आई हैं, जिसमें गिनती के 12,000 होते हैं और 100 मंदिर के जो हमारा बीच में चबूतरा आया है उसको मिला करके 12,100 मंदिर कहते हैं। तो 10 मंदिर का जो लंबा चौड़ा चौक है उसमें, हाँ, इसमें 8 वो हमारे जो चबूतरे हैं उस पे 8 मेहराबे हो गई, और बीच में जो गली आई है 8×8=64 हो गया, और जो बीच में हमारे गली है वो रौंस हो गई, चबूतरे की रौंस हो गई, तो उसको मिला करके 100 मंदिर हो गए, तो पूरा हमारा 12,100 हो जाता है। प्रणाम सुंदर ज्योति। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, इस चपाई से हमने देखा कि 110 मंदिरों की 110 हारे, तो मंदिर अपने हो गए 12,100। मध्य 100 मंदिर के स्थान पे यहाँ पर मंदिर ना आके 100 मंदिर का, 10 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक हुआ। पहले एक चौक की शोभा, इन चौक में 8 मंदिर का लंबा चौड़ा एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, एक पक्ति ऊंचा चबूतरा है, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, हर दिशा में 9 नूरमयी थम, ये थम भी नूरी दर्पण के, हर दिशा में 9 थम, उन पर 8 मेहराबे, टोटल थम गिनते हैं वो भी 32, मेहराबे भी 32, थंबों को भराए के चंद्रमा तले गिलम सिंहासन कुर्सी की शोभा। तो 8 मंदिर का लंबा चौड़ा कहे या 64 मंदिर का ये चबूतरा, और घेर कर ये एक मंदिर की परिक्रमा आई। एक मंदिर की परिक्रमा से आसानी से समझ में आता है, और वैसे अगर गिनती करते हैं तो यहाँ से ले में 10 मंदिर, 10 मंदिर हम इधर से ले में, अब दो कोने के मंदिर निकल गए तो 8 और 8+, तो टोटल 36 मंदिर की परिक्रमा हो जाती है। अब इन चबूतरे पर खड़े हैं किसी भी दिशा में देखते हैं तो 10 मंदिर अपने ये लगते हुए नजर आ रहे हैं, हर दिशा में 10-10 मंदिर, और यहाँ से भुलवनी की किनार 50 मंदिर की दूरी पर है। तो इस तरह से सुंदर शोभा।
हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री कुलजन स्वरूप परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 31 44-19 भागत सिंह साहब यहाँ पे ना ये निकस है, ये थोड़ा सा गलत है, मैं इसको हटा देती हूँ एक मिनट। ठीक है कोई नहीं, मैं ऐसे निकल सी पढ़ लू। हाँ जी। भागत एक मंदिर से प्रतिबिंब उठे अपार, पकड़न कोई न पावे ही, निकस जाए कई द्वार। जैसे ही कोई सखी एक मंदिर में भागती है, अनंत प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। भागने वाली सखियां मंदिरों के कई दरवाजों से होते हुए आगे निकल जाती है। पकड़ने के लिए पीछे दौड़ने वाली सखियां प्रतिबिंब को देखकर भूल जाती हैं। इस प्रकार कोई भी किसी को पकड़ नहीं पाता है। आज सक विस्तार समझते हैं। इस चौपाई में यह जिज्ञासा होती है कि जब परमधाम पूर्णतया जागृत भूमि का है तो उसमें भूलने की लीला कैसे संभव है? क्या ब्रह्म स्वरूपता में भी अज्ञानता का भावना आ सकती है? ऐसा यदि ऐसा होता है तब तो वहां पर भी काल माया जैसी स्थिति मानी जा सकती है। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि प्रेम और आनंद के रस में डूब जाने पर स्वयं को भूलना स्वाभाविक है, किंतु इसे अज्ञानता अज्ञान जनित भूल काल माया जैसी नहीं कह सकते। परम धाम की अनंत प्रेममयी और आनंदमयी का निर्देशन धाम धनी के दिल के द्वारा ही होता है, इसलिए भूलवनी की लीला में यदि कोई सखी किसी को पकड़ने में भूलती है तो वह श्री राज जी की इच्छा से ही भूलती है। उसमें माया जनित अज्ञान का प्रभाव नहीं होता, बल्कि वह भी प्रेममयी लीला का ही एक अंग है। इस चौपाई में वही भूलवनी की लीला का वर्णन किया गया है कि जब सखियां एक दूसरे को पकड़ती हैं, प्रतिबिंब उनके दिखाई देते हैं, तो एक सखी भाग कर निकल जाती है दरवाजे से और उसका प्रतिबिंब चारों तरफ पड़ता है हर मंदिर में। तो जो सखियां उसको पकड़ रही हैं वो जो है दौड़ते दौड़ते उससे टकरा जाती है और भूलवनी हो जाती है उनके अंदर। लेकिन इसमें उन्होंने बताया है महाराज जी ने कि इसमें ऐसा नहीं है कि वहां भूलवनी कोई होती है, मतलब भूल भुलैया होती है, वो तो एक प्रेम की लीला में ही जो है वो उनको जो है प्रेममयी लीला में राज्य की मेहर से ही वो एक दूसरे को पकड़ नहीं पाती है, ये इसमें बताया गया है। हां जी, भूलवनी की लीला का सुंदर वर्णन हुआ कि भूलवनी की लीला यहाँ पर सभी ये देखिए यहाँ पर कैसे प्यारा दृश्य दिखा रखा है कि मंदिरों की चारों दीवारें नूरी दर्पण की, किवाड़ दर्पण की, यहाँ पर जो सभी चौपाई होगी, सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले, मच्छियां और अलमारियों की सभी शोभा सब नूरी दर्पण की। अब यहाँ पे मान लीजिए इस मंदिर में राजी हैं तो उनके प्रतिबिंब हजारों हजार उठते हुए, सखियों के प्रतिबिंब हजारों हजार उठते हुए, और ये प्रतिबिंब भी चेतन, तो भूल होना स्वाभाविक है। तो ये जो भूल है वो धनी की इच्छा से प्रेममयी भूल, तो इस चपाई में हमने ये देखा। हाँ जी संजू साची। हाँ जी मंजिला बहन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री कुलजम स्वरूप परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 31 चौपाई 20। इन ठोर खेल रूह के बहुत बई बुलवन, होत होसी इत खेलते रंग रस बढ़त रूहन। इन मंदिरों में भूलवनी के खेल में सखियों के द्वारा एक दूसरे को पहचानने में बहुत अधिक भूल हो जाती है। इस प्रकार इस खेल में एक दूसरे की बहुत अधिक हंसी होती है तथा सखियों अपार आनंद के रस में डूब जाती है। भूलवनी के मंदिरों में खेलते सखियों द्वारा एक दूसरे को पकड़ने के अधिक भूलो हो जाती है। राजी सखियों के पकड़ने के जाते हैं और सखियों राजी को देखने में जाती है, तो एक दूसरे को बहुत अधिक ये इतना हौसी हो जाती है। हाँ जी, इतना आनंद में डूब जाती है।
प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, जिगना किनको ओपन कर रहे हो? मुकेश कुमार। हाँ जी, ये ज्वारदास महाराज जी की बड़ी वृत्ति है, उससे लिया मैंने ये वाला पैराग्राफ। तो इसमें भूलवनी की रामायण का सुंदर वर्णन है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, ये भूलवनी की रामत यही पढ़नी है? हाँ जी, हाँ जी, ये पढ़ लीजिए। भूलवनी की रामत। इन भूलवनी के मंदिरों में जब खेलने की इच्छा होती है, तब श्री राज श्यामा जी तथा सब सखियां इस भूलवनी के मंदिरों में खेलते हैं। ये सब मंदिर सफेद रंग दर्पण के आए हैं। एक मंदिर में खड़े हो जाइए तो हजारों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। असल स्वरूप कौन है यह पहचान नहीं हो पाती। जब एक सखी एक मंदिर से निकलकर दूसरे मंदिरों में भागती है, तब अनेक सखी भागती हैं, तब अनेक सखी भागती हुई दिखाई देती हैं। तब पकड़ना अति मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सखियों के अनेक प्रतिबिंब अनेक मंदिरों पर पड़ते हैं। यदि कोई सखी अचानक पकड़ी जाए तो दूसरी सखियां सब हंसती हैं। इस प्रकार के अनोखे खेल होते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो ये सतगुरु महाराज जी ने कितनी प्यारी लीला का वर्णन किया कि एक एक स्वरूप के हजारों हजारों प्रतिबिंब और सभी प्रतिबिंब चेतन, तो असल नकल की वहां पहचान कर ही नहीं सकते। तो सुंदर लीला। हाँ जी सुंदर साहब जी, क्लियर है या कुछ चौपाइयों से और क्लियर करना है? शोभा क्लियर है? ये 500 चौपाइया इसकी भी है बड़ी वृत्ति की, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ से लेते हैं जिगना, ये 2 चौपाइया आप पढ़ना। जूम करो। हाँ, जिस प्रकार रसूल मोहम्मद साहब, यहाँ से लो, बारी बारी अजीम की सो मोमिन वास आहिर। हाँ, शोल कहाँ से आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आप लो। बारी अरस अजीम की सो मोमिन वास्ते करी जाहिर, महल मंदिर गलिया सब देखने लगे बाहिर। तो परम धाम का सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन भी ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही जाहिर किया जा रहा है। महल मंदिर गलिया व रंग महल के बाहर की शोभा भी ब्रह्मात्मा देख रहे हैं। तो जो भी सुख है बारीक से बारीक भी, वो भी सारे हम ब्रह्म सृष्टि के लिए ही पर हजी ने कहलवाए हैं। अब कहूं भोम दूसरी मंदिर बुलवनी 12,000, 110 मंदिर की 110 हर हार। तो जो बुलवनी के मंदिर है 110, जो रंग महल की उत्तर साइड उत्तर की साइड में आए हैं, जो लास्ट वाली 4 गलियों को 4 हार को छोड़ के जो 16 हवेलिया है उसकी साइज बसा 16 हवेलियों की जगह पे आए हैं, वहां पे 110 मंदिर की 110 हारे हैं। वो बुलवन की मंदिर में 12,000 मंदिर आए हैं, जहाँ नूरमय दर्पण के वो मंदिर है और 110 मंदिर की 110 हारे की शोभा ले रहे हैं। हाँ, जो बीच में चबूतरा जाना आ जाता है, उसी लिए वो 12,000 मंदिर हो जाते हैं, 10 मंदिर 8 मंदिर का चबूतरा, दोनों साइड एक एक गली हो जाती है। हाँ जी सुंदर साहब जी, इन 2 चपाइयों में भी हम देखें कि बारीकी अर्श अजीम की ये किसके वास्ते जाहिर हो रही है? हम मोमिनों के वास्ते। एक एक माहौल, एक एक मंदिर, ज्वारदास महाराज जी, युगलदास महाराज जी, रीति का एक एक कण का वर्णन मोमिनों के वास्ते कर रहे हैं।
अब दूसरी भुवन की शोभा, भुलवनी की शोभा हम देख रहे हैं। ये अच्छे से हम सबके दिल में ही डर है कि 110 मंदिरों की 110 सारे सुंदर नूरी शोभा। हाँ जी ना, आगे करो, किसको दे रहे हो? किशोर जी, हाँ जी किशोर जी, आप आ रहे हो जी? प्रणाम जी दीदी, कौन सी चौकी लेनी है दीदी? हाँ 38 ये वाली। चारों तरफ बराबर 110 दस की हार, ताके 100 ऊपर भई जमा 12,000। चारों ओर से ही 110 मंदिरों की 110 हारे दिखाई देती हैं। उनके कुल 12,100 मंदिर होते हैं। ये भी ले लो। तामे 100 मंदिर का चौक जो सब हर मंदिर दरमियान 64 मंदिर जागा चबूतरा 36 पर्दखिना पहचान। हाँ। इन 12,100 मंदिरों के मध्य में 100 मंदिर की जगह में 100 मंदिर 10 बाई 10 का लंबा चौड़ा चौक शोभा ले रहा है, जिसमें 64 मंदिर की जगह में चबूतरा आया है और 36 मंदिर की जगह में एक मंदिर चौड़ी परिक्रमा आई है। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, ये शोभा अपने को क्लियर है। 110 मंदिर की 110 हारे, 12,100 मंदिर, मध्य 100 मंदिर के स्थान पर, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा या 64 मंदिर का चबूतरा एक सीढ़ी ऊंचा और घेर कर 36 मंदिर की परिक्रमा। चबूतरे ऊपर तहे थम 32, 8-8 की हार पर ए पाइये मोमिन से बख्शीस, 64 मंदिर के 8 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे के किनार पर 32 स्तंभ सुशोभित हैं। हर दिशा में 8-8 मेहराबें शोभायमान हैं, जिनकी शोभा ब्रह्मात्माओं की कृपा से समझ आती है। हाँ जी। ये 32 मेहरावे थंबन के ताकि कहे 32 द्वार, मध्य चबूतरे सिंहासन गृत सब रूही बैठन हार। इन 32 स्तंभों के ऊपर 32 मेहराबें आई हैं, जिन्हें 32 मेहराबी द्वार कहा गया है। चबूतरे के मध्य में नूरी सिंहासन युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजते हैं और चारों तरफ चबूतरे पर सब सखियां बैठती हैं। इस चबूतरे पर हमारी 32 मेहराबे 32 स्तंभ बनते हैं। नूरी तर्पण लिए हुए सुंदर उसमें 32 ही मेहराबें बनती हैं। अनेक चित्रामन लिए हुए ये हमारे नूरी स्तंभ और स्तंभों में के बीच में 32 मेहराबें। इस सुंदर चबूतरे पर सुंदर गिलम बिछी हुई है। गिलम पर हमारे सुंदर सिंहासन, सिंहासन के ऊपर श्री राज श्यामा जी विराजमान और आसपास सब कुर्सियों पे सब सखियां विराजमान। इसके ऊपर नूरी दर्पण लिए हुए ही हमारी चंद्रमा है। हाँ जी, और ये चारों दिशाओं का भी वर्णन कर दो। हर दिशा में कितने कितने मंदिर आ रहे हैं? हर दिशा में हमारे 10-10 मंदिर आ रहे हैं। हाँ जी, और ऐसे हमारे पास 40 मंदिर आते हैं और इनके हमारे टोटल गिनने में हमारे 20 दरवाजे आएंगे, क्योंकि हम 20 ऑलरेडी पहले 12 साल में गिन चुके हैं।
सुनीता दीदी हाँ जी पढ़ना दीदी आगे हाँ ये वाली चपाई ले लेते हैं ठीक है। स्वरूप जुगल सिंहासन पर बैठत है इत जब सब रूहें खेले भूलवनी आए ठौर पावे इत सब। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी इस सिंहासन पर जब विराजमान होते हैं तब सब सखियां भूलवनी के नूरी दर्पण से युक्त मंदिरों में भूलवनी का खेल खेलती हैं। अभी जिस सिंहासन की बात हो रही थी कि जो 100 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा और उसमें 8 मंदिर का लंबा चौड़ा बीच में थम बीच में सिंहासन मध्य में और उसने 8 मंदिर का लंबा चौड़ा एक पंक्ति ऊपर चबूतरा और उसके चारों किनार पर परिक्रमा। तो जो मध्य में जो 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा है उसके बिल्कुल मध्य में युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान होते हैं और सब रूहें सारी जो सखियां जो मिलकर हैं वो कैसे भूलवनी के जो मंदिर हैं जिनके दर्पण रंग की चित्र सारे ही जहां मंदिर हैं जो ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर भी देखो दर्पण रंग की शोभा से युक्त है तो वो सारे मंदिरों से निकलकर आती हैं और भूलवनी की रामत करती हैं। जैसे अभी पहले भी पढ़ा था महाराज जी की वृत्त से कि बहुत सुंदर रामते होती हैं वहां पर एक सखी भाग रही है तो कुछ सखियां उस सखी के भागते हुए कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं चारों तरफ तो जो भागने वाली सखियां हैं उनके भी बहुत से प्रतिबिंब और जो उनको पकड़ने वाली सखियां हैं उनके भी बहुत से प्रतिबिंब और प्रतिबिंब भी चेतन। अब चेतन जो प्रतिबिंब है और जो असल है तो उसमें भूलवनी हो जाती है रूहों से भूल हो जाती है कि कौन सा असल है और कौन सा नकल है क्योंकि वहां तो नकल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जो प्रतिबिंब भी उठेंगे तो वो भी चेतन। तो इस तरह से सुंदर रामत वहां पे भूलवनी की सारी सखियां मिलकर यहाँ भूलवनी की रामत खेलती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी दो छपाइयां मैं करती हूँ इसमें थोड़ा सा शोभा एक अलग तरह से है। ये भूलवनी दरमियान में कया चोखना चबूतर या के 8-8 द्वार सामने 4 द्वार चौकनों पर ये 40 द्वार चबूतरी चारों तरफ बराबर नूर जवेर कहीं लहरा उठे ये क्यों कहूं शोभा सुंदर। खुद को हम पहुंचाते हैं भूलवनी के ठीक मध्य इन चबूतरे पर। इन चबूतरे पर आ जाते हैं हर दिशा में देखेंगे 9 थम 8 मेहराबे उन 8 मेहराबों के बिल्कुल सामी अपने 8 दरवाजे 8 मंदिर 8 दरवाजे उनके लगते हुए है ना चारों दिशाओं में ऐसे 8 मन लगते हुए और यहाँ पे कोने के मंदिरों की भी अलग से सुंदर शोभा तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि आप इन मध्य चबूतरे पर खड़े हो जाओ तो हर दिशा में 8 मेहराबे सामने 8 ये मंदिर 2 मंदिर जैसे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। हम चबूतरे पे खड़े हैं चबूतरे की मेहराबों के सामसामी ये अपने 8 मंदिर हो गए हर दिशा में सामसामी ये 8 मंदिर हो जाएंगे इस तरह से। तो ये सुंदर शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से हम चबूतरे पर खड़े हैं हर दिशा में मेहराबे हैं उन मेहराबों के सामने मंदिरों की सुंदर शोभा और 4 मंदिर 4 कोनों के बताए गए वो शोभा देखते हैं किस तरह से। एक बार चपाई वापिस पढ़ते ये भूलवनी दरमियान में कया चोखना चबूतर या के 8-8 द्वार सामने 4 द्वार चौकनों पर भूलवनी के मंदिरों के मध्य में चौरस चबूतरा आया है उसकी चारों दिशाओं में भूलवनी के मंदिरों के 8-8 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं और 2-2 दरवाजे चारों कोनों के मंदिरों की शोभा ले रहे हैं। तो इस तरह से 40 दरवाजे अपने को भूलवनी के मंदिरों के सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चौक खड़े हुए जब देखिए चौक खड़े जब देखिए चारों तरफों 10-10 हार 50-50 मंदिर की तब साम सामी पड़े द्वार। चबूतरे के मध्य खड़े होकर जब चारों तरफ देखते हैं तो जो भूलवनी की किनार है वो 50 मंदिर की दूरी पर है। तो ये शोभा अपन यहाँ से देखें
हम इन चबूतरे पर हैं और चबूतरे से भुलवनी की किनार कहीं से भी ले लेंगे, किसी भी जगह से भुलवनी की किनार अपनी 50 मंदिर की दूरी पर है, कहीं से भी ले लेंगे 50 मंदिर की दूरी पर भुलवनी की किनार है। और चबूतरे की हर दिशा में अपने को 10-10 मंदिर 10-10 द्वार दिखाई देते हुए 40 द्वार अपने को इन गली में दिखाई देते हुए। तो ये सुंदर शोभा, सुंदर सा जी भुलवनी की शोभा क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन है तो लेके फिर आगे बढ़ेंगे खड़ोकली की ओर। इधर ही हाथ नीचे कर दो ये वाले। हाँ जी हाँ जी करते हाँ जी। कुसुम दीदी बोलो। कुसुम दीदी प्रणाम। दीदी दीदी ये जो 10 मंदिर का चबूतरा बताया बीच में, तो ये सारा ही एक पंक्ति ऊपर होगा या 8 मंदिर वाली जगह एक पंक्ति ऊपर होगी? सिर्फ 8 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह एक पंक्ति ऊंची है और एक घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा वो नीचे है एक पंक्ति। हाँ मेरे को ना यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण लगता है, अगर आपने जयपुर का मंदिर देखा हो, बड़ा मंदिर जयपुर का जो बड़ा मंदिर है, तो मंदिर का अब तो खैर जब नवीनीकरण हुआ है तो लगभग एक लेवल पे आ गया। पहले क्या होता था, वो एक सीढ़ी ऊंचा था मंदिर, तो वो मंदिर मुझे 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा और घेर के जो परिक्रमा आई है वो मुझे लगती थी 36 मंदिर की परिक्रमा। तो मंदिर एक सीढ़ी ऊंचा है और घेर कर परिक्रमा। हाँ जी विशाली। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। मुझे ये भुलवनी का मंदिर की शोभा सुन के एक भाव आ रहा था। हाँ तो क्या मैं पूछो ना पता नहीं के लिए बैठे। पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं, बट ऐसे ही दिल में भाव आया। मुझे ऐसे लगता है कि ये भुलवनी का जो मंदिर है वो 12,000 सखियों के लिए बना है और वो दर्पण रंग का है। तो मुझे ऐसे लगता है कि राजी हमें जागनी में मैसेज दे रहे भुलवनी के मंदिर के थ्रू कि हम इस जागनी ब्रह्मांड में आए हैं और हर जगह हमें ये माया रही है, तो हमें हर सखी अपनी अपनी मेहनत कर रही है राज्य की तरफ बढ़ने के लिए, तो हम सबके प्रतिबिंब दिख रहे हैं। मतलब हमें दिख रहा है कि कौन कितना सूट काटा, तो हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर सखी को एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं ताकि हम वो और ये फॉलो करते करते हमें तारतम वाणी के प्रकाश से वो उजाला मिल रहा है, वो हमें वाणी मिल रही है जिससे हम हमारे घर की धनी की पहचान। तो जब वो दरवाजा मिल जाता है ना, वो चादर मिल जाती है तारतम वाणी की, तो वो दरवाजा खुल जाता है राज्य की ओर बढ़ने के लिए। और फिर जब हम आहिस्ता आहिस्ता ये करते करते पकड़ते पकड़ते हर सखी के गुण अपने में ले रहे, श्यामा जी के 12,000 गुण अपने में ले रहे, तो चबूतरे तक पहुंचते हैं जहाँ पे श्यामा जी सिंहासन पे बैठे। तो वो जो 8 जो मेहराब आपने बताई ना, तो वो मुझे ऐसे लगता है कि वो 8 सागर है जिसमें हमें डूबना है। मतलब इन 8 सागरों में जब हमें पहचान हो जाती है राज्य के तारतम वाणी से, तो हम डूब जाते हैं, तो उनकी पहचान हो जाती है और उनके इश्क गर्व हो जाते हैं। तो हम अपने पराक्रम को जो सिंहासन के वहाँ राजी श्यामा जी के चरणों में पहुंचते ना, तो हम अपनी पराक्रम तक पहुंच सकते हैं और खुद को सकते हैं। तो मुझे थोड़ा ऐसा भाव आ रहा था। बहुत प्यारा भाव, सच्ची में बहुत प्यारा। कल बोलने में भी आया था कि ये जो 8 मेहराबे और 32 स्तंभ, तो ये बड़ी रंग की शोभा, 8 सागर 8 जिमी और 32 हांस, तो उसकी शोभा का याद दिला रहे हैं। आज आपने पूरा अच्छे से उसको वहां पे मैच कर दिया, सच में बहुत प्यारा है ना। क्योंकि हर दिशा में 8 मेहराबे 8 सागर 8 जिमी की याद दिलाते हुए और घेर कर 32 स्तंभ 32 ही मेहराबे, तो बड़ी रंग छोटी रंग के 32 पहल याद आते हुए। मेरे दिल में भी यही 32 पहल ही घूम रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता हमें चार बस अभी हमें वो उस तरफ दौड़ के राज्य तक पहुंचना है, तो राज्य के दिल तक। तो इसीलिए हम जब गोते लगाएंगे ना इस सब वाणी में और सागरों में, तो फिर हमें राज्य प्राप्त हो जाएंगे। हाँ जी बस प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी क्लियर है भुलवनी की शोभा? आप चले खड़ोकली में है ना। अभी सुंदर साहब जी खड़ोकली की शोभा मैं छोटी वृत्ति से करा रही हूँ कि एक बार शोभा
खड़ोकली की दिल में खड़ी हो जाए। उसके बाद गिनतियों में आएंगे। एक बार शोभा बिल्कुल आसान शब्दों में, जो नए सुंदर साथ भी हैं, तो एक बार खड़ोकली की पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये खड़ोकली है। फिर एक एक जगह शोभा देख के अपन उसकी गिनतियां भी कर लेंगे, लेकिन एक बार पहले अपन मोटे रूप से करते हैं उनको। सबसे पहले ये शोभा देखते हैं कि खड़ोकली किन स्थान पर आई है। श्रीरंग महल की दूसरी भूमि में आ जाएं, इन वायव कोने के चैबच्चे से, भूमबर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ के वायव कोने के चैबच्चे से हम मुख अपना ईशान कोने की तरफ करें, तो हमारे दाएं हाथ को तो रंग महल के मंदिरों की शोभा होगी और बाएं हाथ की ओर ये बड़ो वन की सुंदर शोभा। तो ये शोभा देखते हुए हमने लाल चबूतरे की हद पार कर ली। लाल चबूतरे की हद पार करने के बाद 40 मंदिर चलेंगे। उसके बाद जो 30 मंदिर आते हैं, इन 30 मंदिरों के स्थान पर ताड़वन की जमीन में इन खड़ोकली का स्थान आया है। लाल चबूतरे की हद से हम 40 मंदिर चले, अगले 30 मंदिर में अपनी खड़ोकली की शोभा और आगे 40 मंदिर। तो यही 110 मंदिर हमने जो देखे थे, इसके भीतर की तरफ फुलवनी की शोभा आई है। इसमें वाणी में 40 मंदिर ये कहे जाते हैं लाल चबूतरे के, 40 मंदिर कहे जाते हैं 40 40 80, 30 मंदिर कहे जाते हैं खड़ोकली के और 40 मंदिर ये कहे जाते हैं ताड़वन के। एक बार दोबारा दिखाती हूँ, ये जो पहले 40 मंदिर हैं ये कहे जाते हैं लाल चबूतरे के, ये 30 मंदिर खड़ोकली के और ये 40 मंदिर कहे जाते हैं ताड़वन के। इन्हीं 110 मंदिरों के भीतरी तरफ अपनी फुलवनी की शोभा आई है। तो इन खड़ोकली की शोभा को देखते हैं हम आज, बहुत आसान तरीके से समझते हैं, फिर कल आराम से करेंगे एक एक गिनती को भी। थोड़ी बहुत गिनतियां तो आज भी बताऊंगी मैं, क्योंकि उसके बिना तो समझा भी नहीं सकते। कि हम लाल चबूतरे से चले, लाल चबूतरे से जब चलेंगे तो यहाँ पर 39 मंदिर चलेंगे, यहाँ पर 2 मंदिर का चौड़ा और 31 मंदिर का लंबा एक भूमबर ऊंचा चबूतरा उठेगा। फिर ये चबूतरा पूर्व की ओर 30 मंदिर घूमेगा और पुनः दक्षिण की तरफ जाकर 29 मंदिर में जाकर इन चबूतरे से मिलान कर लेगा। इनको दूसरे नक्शों से देखते हैं, ये देखें, ये अपनी धामरोस मान ले, रंगमहल का चबूतरा मान ले इसको। ये देखिए, पहले ये अपना 2 मंदिर का चौड़ा, 39 मंदिर की दूरी पर 2 मंदिर का चौड़ा और इस तरह से चला 31 मंदिर का, उत्तर की तरफ 31 मंदिर का। अब ये चलेगा पूरब की ओर 30 मंदिर का, देखिए यहाँ तक 31 मंदिर, अब यहां से ये चलेगा 30 मंदिर, 30 मंदिर। अब ये 2 मंदिर हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से ये 2 मंदिर छोड़ देंगे, 31 में से 2 माइनस कर लें तो इधर ये जाएगा 29 मंदिर। तो याद रखने में बहुत आसान है, इधर 31, इधर 30 और इधर 29। तो ये कोट दीवाल कहेंगे हम खड़ोकली की, कोट दीवाल 2 मंदिर की चौड़ी। और जैसे जब उत्तर की तरफ चली, मैं लिख भी देती हूँ एक बार, सुंदर साथ को याद रह जाएगी। यहाँ पर जब ये उत्तर की तरफ चली तो एक मंदिर की चौड़ी 31 मंदिर की लंबी, जब यहाँ से पूरब की ओर चली तो ये 30 मंदिर की लंबी हो गई, जब वापिस जाके रंग महल से जाके मिली तब ये 29 मंदिर। तो इस तरह से खड़ोकली की दीवार की शोभा, पहले जो कोट दीवाल हम कहें, 2 मंदिर की चौड़ी, पूरी कोट दीवाल नहीं बनती यहाँ पर कोट दीवाल ही कहना ठीक रहेगा कि घेर कर दीवाल कहें। जैसे कुआं उठाते हैं हम तो घेर की दीवाल की शोभा होती है, तो ये दीवार। और दक्षिण तरफ ये अपनी 28 मंदिर की दीवाल की शोभा हुई। अभी शोभा को आगे देखते हैं, एक बार इन शोभा को वापस इस नक्शे से देखकर ये देखिए, लाल चबूतरे से, बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ मैं, लाल चबूतरे से 39 मंदिर चलेंगे तो 2 मंदिर का चौड़ा 31 मंदिर का लंबा चबूतरा होता। अब ये चबूतरा पूरब की ओर घूमा 30 मंदिर, वापिस जब दक्षिण में जाके मिला तो 29 मंदिर। तो इस तरह से ये शोभा और इधर ये 28 मंदिर की दक्षिण की दीवार। तो ये शोभा को अपन ने अभी तक देखा,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये प्रियंका ने बनाए एक के बाद एक, बहुत आसानी से हमको शोभा समझ में आएगी। अब अपने पास जो दो मंदिर की जगह थी उसके भीतर एक मंदिर की जगह पर मंदिरों की हार आ गई। हर दिशा में देखेंगे 30 मंदिर अपने को इधर नजर आएंगे, 30 मंदिर इधर नजर आएंगे, 30 मंदिर इधर नजर आएंगे, कोने का मंदिर दोनों तरफ काउंट हो जाएगा। तो हर दिशा में अपने को 30-30 मंदिर नजर आ रहे हैं और एक मंदिर की परिक्रमा रोंस, ये देखिए एक मंदिर की घेर कर परिक्रमा रोंस, ये देखिए मंदिरों की शोभा, एक मंदिर की परिक्रमा रोंस, और इस परिक्रमा रोंस ने बिल्कुल धाम रोंस से एक रूप मिलान किया है। जैसे हमने यहाँ देख रहे हैं ये कठेड़ा अपना परिक्रमा रोंस का है, तो इस कठेड़े के साथ साथ यहाँ भी कठेड़ा घूम जाएगा। अगर हम परिक्रमा रोंस पे यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, मैं कलर चेंज करती हूँ, हम यहाँ पे जैसे परिक्रमा कर रहे हैं तो हम चाहें तो इधर खड़ोकली की तरफ इस परिक्रमा रोज पे आ सकते हैं आराम से, एक रूप मिलान किया हुआ अपनी धाम रोज का और इधर इस परिक्रमा रोज का एक रूप मिलान हुआ है। तो इस तरह से दो मंदिर की जगह पर एक मंदिर में भीतरी तरफ घेर कर मंदिरों की शोभा हुई। हर दिशा में 30-30 मंदिर, कोने का मंदिर दोनों तरफ जवाब देता है, तो 30-30 90, दो मंदिर अपन इसमें कम कर देंगे तो 88 मंदिरों की शोभा हुई। तो इस तरह से पहला स्टेप हमने देखा कि चारों तरफ दीवार उठती है, उन दीवार के भीतरी तरफ हर दिशा में 30-30 मंदिर। और अब इन मंदिरों की हम सब शोभा देखें तो इन मंदिरों की शोभा वही है जो बाहरी हार मंदिरों की आएगी। बाहरी हार मंदिरों में एक शोभा देखी थी ना कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में तीन मेहराबे, तीन में पुनः तीन, तीन छह जाली द्वार, दो दरवाजे, एक चरोखा। यहाँ पे चरोखा तीन सीढ़ी ऊंचा बताया गया है, महाराज जी यहाँ पर चरोखा तीन सीढ़ी ऊपर बता रहे हैं। तो ऐसी घेर कर अपने 88 मंदिरों की सुंदर शोभा। और यहाँ पर देखेंगे ये जो अपनी दक्षिण तरफ की दीवार है और ये जो मंदिर है उनके बीच में एक मंदिर का डिफरेंस है, धामरोस जो जारी है वो एक मंदिर का डिफरेंस है। इसको इस नक्शे से देखते हैं, ये देखें यहाँ पे तीन तरफ तो अपने मंदिर हो गए, मैं कलर दूसरा देती हूँ, ये तीन तरफ तो अपने मंदिर हो गए और इस तरफ ये अपनी दक्षिणी दीवार हो गई। तो इस दक्षिण दीवार से ये मंदिरों की हद एक मंदिर की दूरी पर है ना, ये एक मंदिर का डिफरेंस है ना खड़ोकली में, और इन मंदिरों में एक मंदिर की ये धाम रोज जो चल रही है वो शोभा हुई। तो जब हम इस धाम रोज से जा रहे हैं तो एक तरफ मंदिर होंगे और एक तरफ खड़ोकली की दक्षिण दीवार होगी। तो इस तरह से अभी तक जो हमने शोभा देखी उसको एक बार वापिस रिवाइज करते हैं, खड़ोकली की शोभा को बहुत धीरे धीरे करते हैं, कोई बात नहीं कल पूरी होगी। अच्छा सुंदर सा जी, मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि करनाल कौन कौन जा रहा है, तो उसी हिसाब से अपन आगे शोभा बढ़ाए। सुंदर सा जी एक सेकंड, मैं इसको स्टॉप करती हूँ शेयर को। करनाल जाने वाले हैं सुंदर सा जी काफी, तो अपन दो तीन दिन नहीं करेंगे शोभा, रेज हैंड करो सब नहीं सुंदर सा जी, जो भी जा रहे हैं करनाल रेज हैंड कर ले। गायत्री जी और सुंदर सा जी भी, वीना अग्रवाल जी, ज्योति ग्रोवर, रचना जी। तो सुंदर सा जी फिर अपन नेक्स्ट मीटिंग सोमवार को रखें, अभी ये कर लो दीदी फिर बाद में करते हैं, थोड़ा सा समझा लो। हाँ जी हाँ, ये शोभा तो करते हैं, मेरे को लगा अभी पूरी स्ट्रेंथ है ना तो अभी बात कर ले, बाद में किस लिए। तो यही लग रहा है कि दो तीन दिन नहीं करते, दो दिन है, शनिवार को तो वैसे ही अपना रिवाइज होता है। हाँ जी हाँ जी सुंदर सा जी, एक बार ये शोभा को अपन वापिस से करते हैं, थोड़ी सी पिक्चर अपने दिल में बैठे। सबसे पहले हम रंग महल की उत्तर दिशा में आते हैं, है ना, वायव कोने से चलते हैं पूरब की ओर, लाल चबूतरे की हद हमने छोड़ दी, उसके बाद लगभग 40 मंदिर हम चलेंगे, फिर अपने को दो मंदिर का चौड़ा
और 31 मंदिर का लंबा ये चबूतरा, यानी हमने खड़ोकली बनानी है तो उसकी कोट दीवाल या दीवाल चाहिए ना, तो ये 2 मंदिर का चौड़ा और 31 मंदिर का लंबा। अब ये जब पूरब की ओर घूमा तो 30 मंदिर का, वापिस जब रंगमहल से जाके मिला तो 29 मंदिर का, तो ये घेर कर अपनी 2 मंदिर की चौड़ी दीवाल हो गई। अब यहाँ इसकी लंबाई देखते हैं तो ये भी 31 है, यहाँ से लंबाई देखते हैं तो ये भी 31 है, तो इस तरह से घेर कर अपनी ये शोभा हो गई। अब ये जो भीतरी जगह है, अभी नक्शे में भी दिखाऊंगी लेकिन यहाँ पहले बता दूं, ये जो भीतर की एक मंदिर की जगह है, इस जगह तो मंदिरों की हार आ जाएगी, इस जगह मंदिरों की हार आ जाएगी। इधर भी अपने को 30 मंदिर नजर आएंगे, इधर भी 30 और इधर भी 30 मंदिर, ये कोने का मंदिर दोनों तरफ जो आप दे रहा है, तो कुल 88 अपने मंदिर हो गए। तो इस तरह से घेर कर मंदिरों की हार, और ये अपनी हो गई परिक्रमा रोस, और इस परिक्रमा रोस ने अपने इस धाम रोस से एक रूप मिलान किया है। और मान लीजिए अपन मंदिरों में है, जैसे हम ये मंदिर है ना अपने, हम इन मंदिरों में है ना, ये पाखे के मंदिरों से निकलते 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 हम सीधा धाम रोस पे भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मंदिर है उसका दरवाजा धाम रोस पे भी खुलेगा। तो इस तरह से घेर कर, अब इसको नेक्स्ट नक्शे से देखते हैं अपन, ये देखिए भीतर की तरफ हर दिशा में अपने 30-30 मंदिर हो गए, और दक्षिण तरफ ये 28 मंदिर की एक भौम ऊंची दक्षिण तरफ की दीवार हो गई। तो एक घेर के अपने पास कुएं की जैसे दीवार होती है, हो गई ना। अब इसके अंदर जल है, और इस जल का दर्शन दूसरी भूम से होता है, एक भूम तो ये चबूतरे की हो गए, एक भूम ये मंदिर हो गए, तो दूसरी भूमिका से आते हैं तो इस जगह अपने को जल के दर्शन होते हैं। अब हम आगे आते हैं, ये देखिए यहाँ से अब हम इस जगह आए तो हर दिशा में 30-30 मंदिर, एक मंदिर की शोभा देखते हैं, तो बाहरी हार दीवार की शोभा को दिल में ले लो, मंदिर मंदिर की हद पर थंब उठे, उन पर मेहराब, मेहराब की नोक पर लाल मणि के फूल, ऊपर 12 हाथ की जगह में चित्रकारी, फिर 3 मेहराबे, 3 में पुनः 3-3 ले लो, 13 मेहराबों की सुंदर शोभा, ठीक मध्य मेहराब में अपनी झरोखा आ जाएगा, यहाँ झरोखा 3 सीढ़ी ऊंचा आया है, 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार। अब यहाँ पे अपने पास 88 मंदिर है तो झरोखे भी 88 होने चाहिए, पर ये जो मंदिर एक काउंट हो रहा है उसका इस दीवाल में भी झरोखा है और उसका इस दीवाल में भी झरोखा है, इसी तरह से इस मंदिर का, तो घेर कर झरोखे अपने 90 हो जाते हैं। अब ये जो मंदिर है इसका एक दरवाजा अपना परिक्रमा रोस पे भी खुल रहा है, तो घेर कर ये मंदिर, इन मंदिरों की जब छत पड़ी तो वहां पे 33-7 का छज्जा निकला, और इन छज्जे ने हमारे धाम के 33-7 के छज्जे से मिलान कर लिया। पहली भूम ने धाम रोस से मिलान कर लिया, दूसरी भूम में 33-7 के छज्जे ने 33-7 के छज्जे से मिलान कर लिया। तो इस तरह से खड़ोकली की सुंदर शोभा और चारों दिशाओं में चांदे आते हैं, जो एक मंदिर के लंबे आधे मंदिर के चौड़े, जिनसे भूम भर की सीढ़ियां ताड़वन की जमीन में उतरती हैं। तो इस तरह से खड़ोकली की सुंदर शोभा एक आसान शब्दों में, ये देखिए इधर मंदिरों की शोभा ताड़वन में से है, तो तीनों तरफ ताड़ के वृक्षों की सुंदर शोभा, और ताड़ के ये वृक्ष जल चबूतरे तक छाया करते हुए, और जो ताड़ के वृक्ष हैं वो सीधा जाते हैं 10वीं चांदनी पर, और जो भूम दर भूम आ रहे हैं 10 भूम तक, वो 10 भूम तक छतरी करते हैं। तो ये शोभा को एक एक करेंगे अच्छे से, अभी ये समझ लें कि तीनों तरफ से वृक्ष आके जल चबूतरे पर छाया करते हैं इस तरह से। तो सुंदर साहब जी, कुछ शोभा क्लियर हुई खड़ोकली की? सुंदर साहब जी साथ साथ बोले तो अपन अच्छे से क्लियर हो पाएगा। हाँ जी, जो ये लाल रंग का बॉर्डर उठा है इसको क्या बोलते हैं? ये दीदी ये मंदिरों की हार है ना, ये लाल रंग की मंदिरों की छत हो गई, मंदिरों की छत ही अपनी खड़ोकली की रोस हुई। ये जो अपना 3 भूम गहरा पानी है, एक भूम तो जमीन के नीचे परम धाम की, एक भूम चबूतरे के बराबर, एक भूम इन मंदिरों के बराबर, 3 भूम गहरा पानी है, तो इन पानी को घेर कर जो रोस आती है, जल रोस कहे इसको, ये जो रोस है ना इन मंदिरों की छत ही रोस हुई, और यहाँ पर सुंदर कठेड़ा, चारों तरफ जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। हाँ जी, जो ये लाल वाली है ये मंदिरों की छत है? हाँ ये मंदिरों की छत है दीदी।
और फिर ये पीला गली क्या कहलाएगी? ये छज्जा 337 का छज्जा। अच्छा। तो अपने तो तीन तरफ मंदिर की होगी, वो एक मंदिर की होगी, ये 33 की होगी, ये 337 की। हाँ है ना। हाँ जी ठीक। जी ना कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं वो मधु दीदी का। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। अभी हमने ये 31 मंदिर का उठाया ना चबूतरा, तो पहले हम क्या करते थे 32 मंदिर का चबूतरा उठा, तो वो कैसे क्या हिसाब होता था? 32 दीदी इसमें देखो इस तरह से। हाँ जी ये अभी इन दिनों में ही अच्छे से क्लियर हुआ है। जब अपन इसको उत्तर की तरफ गिनते हैं ऐसे गिनते हैं। हाँ तो जी। एक मंदिर ये गिनेंगे। अच्छा। हाँ ना जी। और दो मंदिर ये, एक मंदिर ये गिनेंगे, एक मंदिर ये। इसको दूसरा नक्शा दिखाती हूँ उससे अच्छे होगा। एक मिनट। हाँ ये यहाँ से लेते हैं। अब 28 मंदिर का तो लंबा चौड़ा जल हो गया अपना। हाँ जी ठीक है। एक मंदिर ये ले लो। हाँ एक मंदिर ये ले लो और एक मंदिर परिक्रमा लो उसे ले लो। तो ऐसे अपने पास 31 मंदिर है ना। तभी यहाँ से 31 मंदिर का अपना चबूतरा उठा जी। इस रोज तक 31 मंदिर है। जैसे सीख रहे थे तो हम 32 मंदिर का 32 भी बता रही हूँ दीदी। 32 ऐसे होगा पूर्व से पश्चिम, जैसे एक मंदिर परिक्रमा रोज इधर भी, एक इधर भी, दो मंदिर ये हुए, दो मंदिर ये मंदिरों का स्थान हुआ, 28 मंदिर किए। तो पूर्व से पश्चिम तो 32 मंदिर, उत्तर से दक्षिण अपनी 31 मंदिर आ रही है। क्योंकि ये जो धाम रोज है इधर की तरफ, वो अपन इन मंदिरों में गिन रहे हैं, वो खड़कली में नहीं गिनेंगे। अच्छा। ये जो इधर परिक्रमा रोज गिन रहे हैं, अब इधर पीछे जो एक मंदिर की जगह आई है वो तो मंदिरों में गिन रहे हैं ना धाम रोज। तो ऐसे उत्तर की तरफ तो 31 मंदिर, पूर्व से पश्चिम अपने 32 मंदिर होते हैं। ठीक है ना। हाँ जी ठीक। हाँ जी डोली दी। दीदी वो अभी आप पहले वाला नक्शा निकाल लिए, अभी जो येलो वाला? हाँ, हाँ, हाँ दीदी निकाल रही हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ। ये जो चबूतरे के पीला ये ब्लू वाला निशान, ये आपने क्या बताया मुझे? ये चांदा चांदा सीढ़ियां उतरती है ना, इसको चांदा बोलते हैं। जब एक चबूतरे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं तो इसको चांदा बोलते हैं। ये चांदा अपना एक मंदिर का तो लंबा, आधे मंदिर का चौड़ा। भीतर की तरफ तो देखो कठेड़े की जरूरत है नहीं, क्योंकि चबूतरे की दीवार लग गई। इधर की तरफ अपना कठेड़ा आएगा। कठेड़ा आएगा जी। हाँ, जी ये सीढ़ियां हो गई। यही मेरे को चांदा शब्द समझ नहीं आया। हाँ, था इसको चांदे से सीढ़ियां उतरना कहते हैं। चांदे से सीढ़ियां मतलब? हाँ, दोनों तरफ उतर रही दोनों है। तरफ से जब सीढ़ियां उतरती है ना उसको चांदे से सीढ़ियां उतरना कहते हैं। ठीक है। ये तीनों तरफ देखो। हाँ ये तीनों तरफ पूर्व मतलब इधर तो रंगमहल मिल ही रहा है, उत्तर पश्चिम तीनों तरफ है। हाँ जी 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 समझ में आ गया। ठीक है। हाँ जी रचना दीदी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। इसमें आपने अभी मंदिरों के ऊपर वो जरोखे की शोभा भी बताई है ना, तो एक बार? हाँ जी जरोखा यहाँ पे ना रचना तीन सीढ़ी ऊपर आएगा। जरोखा यहाँ पे तीन सीढ़ी ऊंचे का वर्णन आया है। वैसे तो रंगमहल की पहली भूमिका में जरोखा 22 हाथ ऊंचाई पे आ रहा है और दूसरी भूम से 3 सीढ़ी ऊंचा, तो यहाँ पर 3 सीढ़ी ऊंचे जरोखे का वर्णन आया। ठीक है ना। हाँ जी हाँ। प्रणाम प्रणाम जी। सुषमा दीदी भी है। प्रणाम जी प्रणाम। अभी एक मिनट। ये दीदी भूल भुलौने का जो मंदिर बोला ना, उसके बाजू में कौन सी दिशा में ये वाली शोभा आएगी? गुड़वनी के उत्तर दिशा में निकलेंगे। उत्तर दिशा याद रखना। हाँ उत्तर दिशा में। और यहाँ से अगर फुलवनी में जाना है तो दक्षिण तरफ जाना है। दक्षिण तरफ। हाँ जी ये याद रखना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुषमा जी सुषमा जी चली गई है। नहीं है। किरण जी एक चीज बताइए। हाँ अभी आपने बताया कि लाल चबूतरे से उत्तर दिशा में 31 मंदिर, इधर 30, इधर 29, ऐसा क्यों? अभी बताती हूँ दीदी। सुषमा जी मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया, आप भी आ सकते हो है ना। पहले इधर को बता दो। ये देखो दीदी
हाँ वीना दी, ये देखो ये रंग महल से पहले 31 मंदिर, ठीक है मैं लिखती जाती हूँ साथ साथ, यहाँ पे अपना हुआ 31 मंदिर, ठीक है। अब ये 31 मंदिर अपने इस जगह तक है, ये 31 मंदिर अपने हो गए इस जगह तक, ठीक है। नहीं, 31 किस मतलब 31 कैसे आए? ये एक दो मंदिर का चौड़ा 31 मंदिर का लंबा चबूतरा आया। अच्छा नहीं, ऐसा क्यों, इधर 31 इधर 30 इधर 29। अच्छा वो क्यों है वो बताती हूँ, अभी बताया था इनको, अभी एक मिनट दोबारा बताती हूँ, रुको। दीदी वैसे हम इजी वे में 30 मंदिर का लंबा चौड़ा नहीं कह सकते? हाँ 30 मंदिर की लंबी चौड़ी है, लेकिन क्या होता है जब वो क्या नाम है, ये देखो वीना दीदी देखो, यहाँ से 28 मंदिर की लंबी चौड़ी तो खड़कली हो गई, एक मंदिर की अपनी परिक्रमा हो गई, तो 30 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह हो गई, ये तो अपने को क्लियर है। अब जब अपन यहाँ से इधर देखते हैं तो एक ही परिक्रमा रोंस हुई ना, तो इसलिए यहाँ पर 31, और इधर दोनों तरफ परिक्रमा रोंस है तो इसलिए 32। अच्छा है ना, अच्छा भाई इधर की तरफ तो अपने पास एक ही परिक्रमा रोंस है, लेकिन पूरा पश्चिम इधर भी है और इधर भी है, तो इसलिए यहाँ पर 32। ठीक है, बाकी 30 मंदिर की लंबी चौड़ी आसानी से अपन याद रखिए, 30 मंदिर की लंबी चौड़ी रोंस सहित खड़ोपली है। अच्छा नहीं 30 का तो मालूम है, हाँ। अभी आपने 31 और 29 और 31 बताए ना, तब मेरे को लगा हाँ जी कैसे हुई, सही हो गया, जुड़ गया ना दोनों की परिक्रमा, जुड़ गई ना, जुड़ गई, इसलिए वृत्त में उसी हिसाब से लिखा हुआ है, पहले 31 का उठा, फिर 30 का, फिर 29 का, और आसान तरीका यही है कि 30 मंदिर का लंबा चौड़ा। हाँ नहीं ये इजी है, 30 मंदिर की लंबी चौड़ी हम खड़ोकली याद रख ले, उत्तर की तरफ अपने पास एक परिक्रमा है, पूर्व पश्चिम दोनों तरफ परिक्रमा लग रही है, तो पूर्व पश्चिम गिन रहे हैं तो वहाँ 32 मंदिर हो गए। ठीक ठीक, मैं 30 की समझ रही थी, पर आपने बताया ना तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि कैसे हुई। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, वो मैं ये जो सीढ़ियां बताई थी आपने चांदे वाली, ये एक मंदिर की चौड़ी और आधे मंदिर की बताई थी? हाँ, एक मंदिर की लंबाई लिखी है, आधे मंदिर की चौड़ाई लिखी है, अपन सीधा सा एक चौक बना ले ना, चौक के दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं, क्योंकि देखा जाए तो अपन बोल रहे हैं एक मंदिर की लंबाई आधे मंदिर की चौड़ाई, बोलने में तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या मतलब अपन को उस विस्तार को ले पा रहे हैं, नहीं मंदिर तो मतलब यूँ सोचे कि हम ठीक मध्य में एक बहुत बड़ा चबूतरा लग रहा है, उस चबूतरे के दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी है। तो यहाँ पर जो ताड़बंजी की जो नहर आई है वो एक मंदिर की है ना, नेहा को तो मैंने खिला दिया, उसी की रोज पर है ना। इधर ताड़ मंदिर की इधर की शोभा भी करेंगे अपन, यहाँ पर ताड़बन की नहर आई है, क्योंकि मूल वृत्ति में कुछ नहीं लिखा हुआ, अभी नई वृत्ति में लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या है बिल्कुल ताड़बन की नहर लग रही है, तो वो 25 हाथ की नहर है, तो वहां पर इसकी चौड़ाई 12.5 रह जाएगी। जी यही तो मैंने दीदी ने बताया समझाया था ना कि वो तो पाव मंदिर की है, उसमें वो रोज आधे मंदिर में चले, लेकिन वो 12.5 हाथ भी इतने होंगे कि शायद अपनी नजरों में अभी वो भी नहीं आ रहे। नहीं नजरों में तो नहीं आ रहे, लेकिन इस चीज की काउंटिंग हो रही है। हाँ जी इधर 12.5 है और बाकी जगह आधे मंदिर का लंबा वो है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। माँ के विशाल तो अभी तो काफी रहता, खड़ोकली की शोभा अभी थोड़ी सी बताई है मैंने अभी तो। हाँ जी, थोड़ी सी पिक्चर पहले क्लियर हो जाए, फिर इस शोभा को एक एक करके अच्छे से करेंगे सोमवार को फिर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैशाली दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जो मंदिर आए हैं उनमें से हम ऊपर रॉस पे कैसे जाते हैं? मतलब मंदिरों जो में थंबों में दीवालों में अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी, क्योंकि सागर ग्रंथ के पहले ही प्रकरण में बोल दिया आपको थंब में दहलान में कहीं भी सीढ़ियां मिल जाएंगी। तो इन मंदिरों के अंदर थंब हो सकता है, मंदिरों के अंदर अपने को ऊपर चढ़ती हुई सीढ़ी मिल जाए, हम यहाँ पे आ जाएं तो उस वक्त तो छत खुल जाएगी, फिर छत अपने लेवल पे चली जाएगी, अपने लेवल पे चली जाएगी। अच्छा, और दीदी ये जो धाम नीचे जो ब्राउन कलर की रॉस है ना एक मंदिर के को लगकर, हाँ तो जो हमारी पूर्व दिशा है और पश्चिम है तो उसमें हम डायरेक्टली ताड़वन में जा सकते हैं ना, वो जो हिंडोले लटके हैं 10 हर भोम दर भोम, तो डायरेक्टली उसमें से एंटर कर सकते हैं ना, और उत्तर दिशा में रॉस आ जाती है तो वहां लंबा झूला दिखेगा 10 भोम का,
हाँ यहाँ से या तो भूम बर का उतर के या अपन दिल में वो भाव ले रहे हैं कि वो झूला अपना यहाँ तक आ रहा है तो हम उसमें बैठ रहे हैं, मतलब वो टच टू टच ही हो जाता है ना, सेम लेवल, जैसे बड़ों वन नहीं हो जाते चाहे बच्चे के साथ वायव्य फोन वगैरह में, कि चाहे बच्चे को लगकर ही ऐसे हाँ पिठोर के साथ वृक्षाएं ना, पिठोर के साथ, पिठोर के साथ वृक्षाएं में, हाँ तो इसमें भी ऐसा हो सकता है ना, ताड़वन में डायरेक्टली हम झूलो। हाँ हाँ ये देखो अपन इससे देखते हैं, ये वाला ये देखो बिल्कुल पिठोर के साथ वृक्षाएं हैं, तो यहाँ तो लंबे हिंडोले और यहाँ भूम दर भूम जो दूसरे हिंडोले आएंगे तो अपन यहाँ से जा सकते हैं। तो वो दोनों तरफ होगा, पश्चिम और पूर्व, उत्तर भी, उत्तर भी, उत्तर में दिखेंगे पर थोड़े डिस्टेंस पे दिखेंगे, बीच में नहर आ जाती है ना तो डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे। पिठोर के साथ लगते हुए तो आ रहे हैं ना, ये देखो वो ताड़वन के दस भूम के आ रहे हैं, तो वहाँ एक लंबा हिंडोला, एक ही लंबा हिंडोला तो आएगा ना, लंबा एक हिंडोला तो आएगा ही, हाँ है ना, लंबा एक हिंडोला तो आएगा ही। प्रणाम प्रणाम जी। और ये तीनों तरफ से जल चबूतरे तक छाया करेंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि ये जो ताड़वन के दक्षिण में मंदिर है हमारे, इनका झरोखा भी तीन सीढ़ी ऊपर होगा। हाँ तीन सीढ़ी का ही वर्णन आया है यहाँ पर, क्योंकि पहली भूमि में वैसे तो 22 सीढ़ी ऊपर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे 22 सीढ़ी में मिलान हो रहा था ना, यहाँ मिलान नहीं हो रहा, यहाँ मिलान नहीं हो रहा ना, यहाँ तीन सीढ़ी ही आएगा। हाँ तीन सीढ़ी ही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, सुंदर साहब जी टाइम हो गया अपना, तो सुंदर साहब जी फिर नेक्स्ट अपन मीटिंग सोमवार को करें। जी पहले जयकारा लगा के अपन ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो आप। हाँ जी हाँ जी, एक बार अनीता जी का क्वेश्चन ले लेंगे। अनीता जी मेरी क्वेश्चन नहीं है, मेरी ना हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज ये बैठक ना कीजो बंद, सोमवार को नहीं प्लीज ये कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि बहुत से मेरे जैसे सुंदर साथी जो कहीं नहीं जाते उनके लिए यही आधार है, वो इन्हीं पर ही जीवित है, प्लीज दीदी वो ठीक है, छुट्टियां मत खाइए, आप बंद नहीं करो वो, रिपीट देख लेंगे, जो रिवीजन कर लेंगे अपन, रिवीजन कर लेंगे कुछ, अभी जैसे खड़ोकली की ये शोभा है, जो नए सुंदर साथ है जो यहाँ है इस शोभा को फिर रिवाइज करेंगे, तो बंद नहीं करते है ना फिर, ठीक है। हाँ जी एक बार जयकारा बुलाओ, अनीता जी आप साथ में, मीनू जी जयकारा बुलाओ। हाँ जी बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।